Assalamualaikum. सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ड्रामा सीरियल चांद की परियां की नई प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि आजाद हीना की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुका है। वो हीना से बन चुका है। वो हीना से कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे पास्ट में जो कुछ हुआ मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, मेरा हाल मेरा मुस्तकबिल बस तुमसे जुड़ा है, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई सरोकार नहीं है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हीना उसकी ये बात सुनकर बस खामोश खड़ी रहती है। आज़ाद उससे कहता है कि प्लीज़ हीना, मुझे जवाब पॉजिटिव ही चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे मुकाबले में किसी को खड़ा नहीं करना चाहता। हीना को ये बात बहुत ज़्यादा खुशी देती है कि कोई है जो उसकी इतनी केयर करता है, उससे इतना प्यार देता है, लेकिन फ़िलहाल वो फैसला करने में डगमगा रही है। तो दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रीमा की ज़िंदगी में तो जैसे आग लग गई है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दादू से कहती हैं कि अगर ये शादी हुई तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी, आपने ये शादी रुकवानी है। दादू कहती हैं कि मैंने आज़ाद की आंखों में वो बगावत देखी है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और आखिरकार दादू भी अपनी काया पलट देती हैं और वो आती हैं हीना के पास और कहती हैं कि जब मुझे पता चला कि आज़ाद ने तुम्हें पसंद कर लिया है तो यकीन मानो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि आज़ाद ने एक अच्छा डिसीजन लिया है और मुझे तुम्हें अपनी बहू बनाने पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। हीना भी उसकी यह बात सुनकर खामोश हो जाती हैं। तो दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि मोना की ज़िंदगी है ख़तरे में, उसके अब्बा उसकी शादी कराना चाहते हैं और मोना मुसलसल इनकारी है, वो कहती है मैं ये शादी नहीं करने वाली, मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन उसके अब्बा कहते हैं तुम कैसे नहीं करोगी शादी, मैं करवाऊँगा तुम्हारी शादी और देखना तुम कैसे इनकार।